कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज हमने डिफाइन की थी, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखेंगे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन की। तो अगेन मैंने ये यहाँ से स्टार्ट ली है, तो हम पहले देख चुके हैं कि फोरियर की इंटीग्रल फॉर्म। इस केस में मैंने ये किया है कि यहाँ पे आपको पता है इस कॉस अल्फा एक्स के साथ आता है ए अल्फा और यहाँ पे आता है बी अल्फा, तो कॉस अल्फा और बी अल्फा दोनों की डेफिनेशन आप पुट करो और उसमें एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन आती है, ठीक है। तो दोनों मैंने कॉमन ले लिया, माइनस इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी तक। मैं आपको शो कर दूं कि ये देखो ये है इंटीग्रेशन, ठीक है ये। तो ए अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और बी अल्फा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो इन दोनों में आप देखो कि एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी तक आपके पास कॉमन आ रही है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। तो सिर्फ यही किया, माइनस इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी तक डी टी कॉमन, बाकी टर्म्स। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इस फॉर्म को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉस अल्फा टी माइनस एक्स, और ये जो हमारे पास इंटीग्रेंट है, ये इंटीग्रेंट हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन ऑफ व्हाट? इवन फंक्शन है ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है। आप अल्फा नेगेटिव पुट करो, अल्फा पॉजिटिव पुट करो, देखो कॉस अल्फा, कॉस जो होगा अल्फा का नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपके पास हमेशा यहाँ पे इवन आएगा। तो मैंने यह क्या किया, ये इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक थी, मैंने इसको हाफ कर लिया और इंटीग्रेशन की लिमिट ले ली गया हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, वन ओवर टू से डिवाइड कर दी। पहले इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक थी, ये हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है कि मैंने इसको हाफ कर दिए वन ओवर टू तो माइनस इन्फिनिटी के इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर दिए, क्योंकि आप अगर दोबारा इसकी प्रॉपर्टी यूज करो और आप इवन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो जीरो से लेके इन्फिनिट तक और साथ टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो दोबारा ये ऊपर वाला जो ऊपर वाली इक्वेशन है आप उसको गेन कर सकते हो जीरो से लेके इन्फिनिट तक, ऊपर टू मल्टीप्लाई होगा टू से कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली आपको ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी। चूंकि हमारे पास जो इंटीग्रेंट है वो इवन फंक्शन और फोर अल्फा है, ठीक है, तो आप एक ऑड टर्म जो है इसमें ऐड कर सकते हो। ऑड टर्म अगर मैं ऐड कर दूं तो आपको पता है ऑड टर्म की इंटीग्रेशन सिमेट्रिक इंटीग्रल पे आपके पास जीरो होती है, तो मैंने ये ऑड टर्म जो ब्लैक में आपको नजर आ रही है मैंने ऐड की है, सिमेट्रिक इंटीग्रल है तो इंटीग्रेशन होती भी है तो ये वाली टर्म्स मेरे पास जीरो होगी। तो सिर्फ आप समझ लें मैंने इसमें जीरो ऐड किया, जीरो ऐड करने से मुझे फायदा ये हुआ है कि मैं इसको अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख लिया, ये हमारे पास आयलर फॉर्म है इसकी, e टू द पावर आयोटा अल्फा टी माइनस एक्स, ये मेरे एक्सपोनेंट फॉर्म है एफ ऑफ टी साइन मल्टीप्लाई बाय डी टी। और ये जो इंटीग्रेशन है जो मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर से लिखी हुई है माइनस इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी तक और e पावर माइनस अल्फा टी और ये वाली अल्फा वाली टर्म बाहर कर दिए, तो इस तरह रिप्रेजेंट करने के बाद अब आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इस तरह लिख सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट सी एल्फा ई टू पावर माइनस आयोटा एल्फा एक्स डी एल्फा, तो डी एल्फा पे इंटीग्रेशन है, सी एल्फा की डेफिनेशन मैंने नीचे दे दी। तो ये एक ही स्लाइड में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है।